मॉर्निंग बच्चों, आज हम अपने क्लास यूकेजी में सब्जेक्ट हिंदी में जो अभी तक हम लोगों ने है बिना मात्रा के दो अक्षर वाले शब्द सीखे, तीन अक्षर वाले शब्द सीखे, चार अक्षरों वाले शब्द सीखे। हमने दो अक्षरों वाले शब्दों को तोड़कर या जो जोड़कर लिखे हुए हैं उनको हमने जो टूटे हुए अक्षर लिखे हुए उनको हमने जोड़कर लिखना सीखा और जो लिखे तो जो हमारे शब्द हैं तीन अक्षर वाले शब्द हैं आज हम तीन अक्षरों वाले शब्दों को जोड़कर लिखना सीखेंगे और उन्हें तोड़कर लिखना सीखेंगे। सबसे पहले जो हम जोड़कर तीन अक्षरों को तोड़कर एवं जोड़कर लिखना, सबसे पहले जैसे हमने दो अक्षरों में दिया था शब्द, जैसे आपको बताया था ह र प्लस र, इसको हमने ये दो अक्षर वाले शब्द से ये टूटना चाहता और जोड़कर जब जोड़कर लिखे हैं जैसे ऐसे लिखा है तो हमने इन्हें जोड़कर लिखा, जब ऐसे दिया गया है तो हमने इन्हें तोड़कर अलग अलग कर दिया। ये होता है तोड़कर लिखना और तो हाँ ये जोड़े हुए हैं इनको जोड़कर तोड़ना और ये टूटे हुए। ओके, तो आज हम पढ़ने वाली है वो है तीन अक्षरों वाले शब्दों को तोड़कर उन्हें जोड़कर लिखना। तो जैसे तीन अक्षरों वाले शब्दों में सबसे पहले हमारा कमल, ये जो शब्द है इसको हमें क्या करना है तोड़कर लिखना है। तोड़कर कैसे लिखेंगे, क प्लस म प्लस ल, ये बन गया आपका क म ल। हमने ये तीन अक्षर वाले शब्द दिए गए हैं इनको हमने क्या कर दिया तोड़ कर लिख दिया। दूसरा श ह द, श ह द, श ह द, वो हम कैसे तोड़ कर लिखेंगे, श प्लस हा प्लस शहर, फिर है हा व यस हवन, वो हम तोड़कर कैसे लिखेंगे, भा व प्लस न, क्या हुआ हवन। ओके, इसके बाद से जैसे अ ज य, अब आपके समझ आए या एग्जाम में आ जाए कि ये जो आपको तीन अक्षर वाला शब्द दिया गया है उसको आपको क्या करना है तोड़कर लिखना। आप कैसे लिखेंगे, आ प्लस ज प्लस य, ये हो गया। इसके बाद जैसे अब उसको तोड़कर लिखना है आ
ओके और गरम चरम नमन इसके बाद भाषा परम भरम करम खबर कमर और दर्द ये आपको क्या है शब्द दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है अगर आपसे जो है पूछा जाए कि आप तीन अक्षरों वाले शब्दों को कैसे तोड़कर लिखें, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया कि जैसे कालिका का के बाद प्लस मालिका मालिकिया प्लस लालिका लालिका, बस ऐसे ही हम इन शब्दों को भी तोड़कर लिखें, जैसे चार हम चार प्लस ता प्लस का, ओके ये आपका शब्द जो है टूट गया। इसके बाद जैसे माँ शब्द को तोड़ दिया मटर, ओके फिर एक भा तो हमने भा प्लस ता प्लस का मटर, इसके बाद रा प्लस र प्लस म को तोड़ दिया धनम, चा प्लस र प्लस म चरम की बात है, न म न प्लस म प्लस न नमन, ओके इसके बाद भा भा प्लस ता प्लस का, हमने इन शब्दों के अक्षरों को हमने अलग अलग क्या कर दिया तोड़ दिया बिखेर दिया यहाँ पर, जैसे हम जुड़े हुए बस उनको हमें दर्द लगाकर लिखते जाना है, पा प्लस प्लस परम भा प्लस र प्लस म, ओके इसके बाद का प्लस ल प्लस म को भी तोड़ दिया, उसके बाद खा खा प्लस व प्लस ल, इसके बाद का प्लस मां प्लस रा का ग प्लस ग प्लस न, ये क्या है आपको तीन अक्षरों वाले शब्द दिए गए हैं और आपको इन्हें तोड़कर लिखना, तो आपने यहाँ पर क्या किया इन्हें तोड़कर आपने लिख दिया, लेकिन अब आप इन्हें जोड़कर कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने आपको अभी समझाया था दो अक्षरों वाले शब्द के आपको जैसे आपको खत दिया गया तो ये टूटे हुए तो आपने इन्हें जोड़कर लिख दिया जैसे घर, ओके तो आप यहाँ पर एक चीज देख लीजिए बच्चों की यहाँ पर हमेशा इतने अक्षर
हमने तीन अक्ष वाले शब्दों को तोड़कर लिख दिया। अब आप क्या लिखने वाले हैं? इन्हें जोड़कर लिखना तीन अक्ष वाले शब्दों को, जैसे यहाँ पर आप दिया गया था का प्लस मा प्लस ला, यहाँ कुछ शब्द क्या है टूटेंगे, आ प्लस ज प्लस य, ठीक है, ग प्लस ग प्लस न, च प्लस मा प्लस ओके। उसके बाद मा प्लस ग प्लस न, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये शब्द दिए गए हैं ये कहते हैं टूटे हुए, और ये लेते हैं हम जैसे प प्लस व प्लस न, ह प्लस व प्लस न, ओके। और इसके बाद है जैसे उ प्लस ध प्लस र, ओके। इसके बाद द प्लस म न, इसके बाद आ प्लस त त स, ये आपको शब्द जो है तीन अक्षर वाले शब्द यहाँ पर क्या है टूटे हुए, कैसे है टूटे हुए। तो अब आपको क्या करना है, जोड़ कर लिखना, जोड़कर लिखे हुए शब्द में जुड़े हुए हैं उन्हें अगर कहा जाए कि तोड़ कर लिखना है तो आप तोड़ करना चाहिए होगी अलग अलग कर, जब हमें कोई शब्द का अक्षर अलग अलग दिए जाए तो हम उन्हें जोड़कर कैसे लिखेंगे, जैसे लेखन का तो हमने क्या लिखा, माँ लिखा माँ लिख दिया, और ला लिखा तो हमने ला लिख दिया, ओके। ये हमने शब्द को जोड़कर लिखना सीख लिया, जैसे आ लिखा आ ज य, क्या दो अक्षर वाले हो चाहे चार अक्षर वाले शब्द हो, अगर जोड़कर हमें लिखना तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इसके बाद है ग ग न गगन, च म न चमन, ओके, मा ग न मगन, ओके। फिर है प व न, इसको जोड़कर लिखते क्या था, व न हवन, उ ध र उधर, द म न, इसको भी हमने द म न मन, फिर आ त प आ त, ये आपकी जो तीन अक्षर वाले आपके शब्द हैं उनमें हमने जोड़कर लिखना सीखा और तोड़कर लिखना सीखा, ओके। तो आज आपने इस टॉपिक में क्या पढ़ा, तीन अक्षरों वाले शब्दों को तोड़कर लिखना और टूटे हुए शब्द में और सॉरी टूटे हुए अक्षर में उन्हें हम जोड़कर लिखेंगे, ओके। तो आज आपका ये टॉपिक है जो कंप्लीट हुआ, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में आपको कुछ और सिखाएंगे, ओके, थैंक यू।